बेड़े में आज 187 सिपाही और शामिल हो गए। बरेली जोन के एडीजी अविनाश चंद्र ने पुलिस लाइन में सिपाहियों के पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने सिपाहियों को शपथ दिलाते हुए उनके कर्तव्य और दायित्व का बोध कराया। कांस्टेबल संदीप राघव सर्वांग सर्वोत्तम क्रेडिट चुने गए। सिपाहियों को संबोधित करते हुए एडीजी ने कहा कि परेड ने सभी का मन मोह लिया है। ग्राउंड की साज सज्जा बेहतरीन रही। पुलिस विभाग में सभी सिपाहियों का स्वागत है। देश राज्य व समाज निर्माण में सिपाहियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस भर्ती पारदर्शिता के साथ हो रही है। 100 अभ्यर्थियों में एक को सिपाही बनने का अवसर मिलता है। पुलिस की भर्ती पाना मुश्किल है, ये क्षण गर्व व संतोष का है। पुलिस का काम चुनौती भरा है। अपराध नियंत्रण, अपराध का त्वरित अनावरण, कानून व्यवस्था, जन शिकायतों का निस्तारण पुलिस के प्रमुख काम है। रजिस्टर नंबर 8 के 2 भाग में हर गांव का अपराध दर्ज है, उसके बारे में जाने, समस्या तक जाएं, विवेचन को अपराध संबंधित सूचना दें। लॉ एंड ऑर्डर में भूमिका महत्वपूर्ण है। मानसिक रूप से सावधान रहें, जो व्यवहार अपनों से करते हैं वही जनता से करें। शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान धैर्य से करें। पक्ष विपक्ष बात कर और निष्पक्ष परिणाम निकालें। बगैर दबाव जन शिकायतों का निस्तारण करें, यही पुलिस के महत्वपूर्ण काम है। अनुशासन बनाए रखें। विभाग जहां पोस्ट करे वहां जाना होगा। खुद की शर्तों पर नौकरी नहीं होती है। वर्दी में आप पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका काम व व्यवहार ही पुलिस की छवि बनाती है। न्याय दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। सच के मार्ग पर चलें, समय की पाबंदी जरूरी है। मुरादाबाद में पुलिस लाइन में आज पासिंग ऑपरेट थी, कितने लोग गए हैं, क्या है? इसमें 187 रिक्रूट कॉन्स्टेबल्स, इन्होंने आधारभूत प्रशिक्षण बहुत ही कड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम और सिंसियरिटी के साथ किया और आज इनकी पासिंग आउट परेड थी। बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस परेड के रूप में सबों ने किया और देश की सेवा करने का, राष्ट्र की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ इन लोगों ने शपथ लिया। सर, आज समय बड़ी बड़ी चुनौतियाँ चल रही हैं, सोशल मीडिया है, कोरोना काल है, इन सारी चीज़ों को लेकर कोई विशेष बातचीत है? ये सारी चुनौतियों का ये सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकते हैं जब ये खुद शारीरिक तौर पर मजबूत रहें, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें और पूरी ईमानदारी, मेहनत और परिश्रम के साथ अपनी ड्यूटी को समझें और करें। अपने को बाद में रखें, सेवा को और देश निर्माण को पहले रखें।